हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। तेज प्रताप ने सीएम नीतीश कुमार को फोन क्यों किया? नीतीश के लिए तेज प्रताप ने हटाई नो एंट्री। चाचा नीतीश के प्रति नरम हुआ तेज प्रताप का रुख। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में हैं। पिछले दिनों फुलवारी शरीफ थाने में हंगामे के बाद ऐसी खबरें हैं कि तेज प्रताप ने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन कर दिया। आखिर ऐसी क्या बात थी कि तेज प्रताप को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन करना पड़ गया? वैसे तो तेज प्रताप इन दिनों जनता दरबार से लोगों की समस्या के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को फोन कर रहे हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री को फोन उन्होंने अपनी समस्या के समाधान के लिए किया था। कुछ समय पहले ही तेज प्रताप ने एक नया आवास आवंटित करने के लिए सरकार को पत्र लिखा था। काफी दिनों से आवेदन के बाद भी जब तेज प्रताप को बंगला आवंटित नहीं हो रहा था, तब खुद तेज प्रताप ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन किया और पूछा, चाचा हमको बंगला नहीं मिलेगा। हालांकि तेज प्रताप यादव को बतौर विधायक और पूर्व मंत्री होने के आधार पर विधानसभा के पुल से एक अच्छे घर का आवंटन हो गया है। अब तेज प्रताप स्टैंडर्ड रोड स्थित सरकारी आवास में रहेंगे। इससे पहले तक तेज प्रताप परिवार में चल रही अनबन के बाद से 10 सर्कुलर रोड पर नहीं रह रहे थे। तेज प्रताप का ठिकाना भले ही बदल गया हो, लेकिन वो परिवार से कुछ मीटर की दूरी पर ही रहेंगे। तेज प्रताप को आवंटित किए गए इस आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुछ महीने गुजार चुके हैं। शुरुआत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू परिवार के इस घरेलू मसले में नहीं पड़ना चाहते थे, लेकिन तेज प्रताप द्वारा खुद फोन करके फिर बाद में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के संदेश के बाद आखिरकार तेज प्रताप को पटना में एक सरकारी आवास मिल गया। खबर है कि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संदेश भिजवाया कि जल्द से जल्द तेज प्रताप को मकान का आवंटन कर दिया जाए, जिससे तेज प्रताप कम से कम मथुरा वृंदावन का चक्कर न लगाएं और पटना में ही रहें। इसके बाद भवन निर्माण विभाग ने तेज प्रताप यादव को सरकारी मकान आवंटित कर दिया। याद कीजिए, अभी कुछ महीने पहले ही तेज प्रताप ने राबड़ी देवी के आवास के बाहर नीतीश चाचा नो एंट्री के पोस्टर दिखाए थे, लेकिन पिछले दिनों रांची में पिता लालू यादव से मुलाकात के बाद तेज प्रताप का रुख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति नरम होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।